कंट्रोल सिस्टम की ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में हमने राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया से संबंधित कई प्रकार की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। आज भी राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया से संबंधित एक विशेष प्रकार की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आपको कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है इस प्रकार का s की पावर 4 प्लस 2s³ प्लस 6s² प्लस 4s प्लस k इक्वल्स टू 0। मीन्स इस प्रकार के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसके द्वारा हम k की वैल्यू के लिए सिस्टम को डिजाइन करते हैं। ये जो प्रॉब्लम है वो आती है के की वैल्यू के लिए, सिस्टम डिजाइन करना। ओके, इस प्रकार की प्रॉब्लम में हमें पूरा सिस्टम नहीं दिया होता है, सिस्टम दे देते हैं और बीच में कोई भी एक वेरिएबल दे देते हैं जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, और हम लोगों से कहा जाता है कि इस सिस्टम को डिजाइन कीजिए इस प्रकार कि जो भी सिस्टम डिजाइन होकर आया है आएगा वो सिस्टम स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम है ये भी यही कहता है कि सिस्टम को k की वैल्यू के लिए डिजाइन कीजिए ताकि सिस्टम स्टेबल हो। अभी तक हमने जो प्रॉब्लम सॉल्व की थी उसमें हमें एक सिस्टम दे दिया जाता था और पूछा जाता था कि ये सिस्टम स्टेबल है या नहीं है, तो हम राउथ टेबल क्रिएट करके उसका आइडेंटिफिकेशन कर लेते सिस्टम स्टेबल है अथवा नहीं है। अब हमको बताया गया है कि एक पॉलिनोमियल है किसी सिस्टम का और ये पॉलिनोमियल जिस भी सिस्टम का है वो सिस्टम स्टेबल होना चाहिए, उसके लिए के की वैल्यू क्या हो, तो हमें फाइनली के की वैल्यू ज्ञात करनी है। ओके, तो देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये जो पॉलिनोमियल हमको दिया हुआ है इससे हम राउथ टेबल क्रिएट करते हैं। पहले राउथ टेबल क्रिएट करते हैं, तो जो तरीका है उसी तरह करेंगे। सबसे बड़ी पावर s² है, s³ है, s² s1 एंड s0, फिर s⁴ का कॉफिशियंट 1, एक पद छोड़ के, फिर कॉफिशियंट 6, फिर एक पद छोड़ के कॉफिशियंट k। ओके, फिर s³ में क्या है कॉफिशियंट 2, 4 और इसके बाद कोई टर्म नहीं है तो हम इसको 0 मान सकते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए, क्विकली सॉल्व करते हैं। 6 × 2 × 6 12 माइनस 4 अपॉन 2, तो ये कितना आ जाएगा 4। ओके, यहां पर देख लीजिए ये हो गया आपका ट्वाइस के माइनस 0 होल अपॉन 2, तो ये आपका आ गया के। ठीक है, अब s1 के लिए डिजाइन कर रहे हैं, तो यहां पर जो एलिमेंट है वो कितना है, यहां पर जो एलिमेंट है वो 4 है और 4 के नीचे जो एलिमेंट है वो k है। ठीक है, अब इसके लिए डिजाइन करते हैं, तो 4 यहां है, 4 माइनस 4 16 माइनस 2 इंटू के डिवाइडेड बाय 4। ओके, ये हो गया। नाउ यहां आगे कोई एलिमेंट है नहीं है तो यहां पर हम 0 मान सकते हैं। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व कीजिए, दिस माइनस के
दिस इंटू के माइनस फोर इंटू जीरो डिवाइडेड बाई दिस, आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो यहां पर आएगा सिर्फ के, ठीक है। जो मेथड बताया है आप उस तरीके से सॉल्व कर लीजिए इसको। अब हमारी राउथ टेबल कंप्लीट हो गई। तो आपको बताया गया है कि अगर कोई सिस्टम स्टेबल है तो उसकी राउथ टेबल के पहले कॉलम में सारे एलिमेंट पॉजिटिव होंगे, ठीक है। सो ये वैल्यू क्या है, पहले कॉलम में पहला एलिमेंट वन, ये पॉजिटिव है, टू ये भी पॉजिटिव है, फोर ये भी पॉजिटिव है। अब इन दोनों का हमको पता नहीं है क्योंकि ये वैल्यू जो है वो के फॉर्म्स में है। तो सिस्टम के स्टेबल होने के लिए, सिस्टम के स्टेबल होने के लिए, स्टेबल होने के लिए पहले कॉलम में सभी वैल्यू जो भी मान आ रहे हैं पॉजिटिव होना चाहिए। इसलिए जो k की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, k शुड बी ग्रेटर देन जीरो। ये वाली k की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो, वन हो, टू हो, थ्री हो, फोर हो, फाइव हो, सिक्स हो, हजार हो, जो भी हो, लेकिन ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो हमें एक चीज तो मिल गई कि k की वैल्यू ग्रेटर देन होना चाहिए जीरो के, ओके। अगला और देख लेते हैं, यहां पर भी के है, तो ये जो ओवरऑल वैल्यू है इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव होने के लिए ये जो वैल्यू है वो भी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, ओके, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। इसका कैची गुणा आप कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा अपने पास, 16 माइनस ट्वाइस के इज ग्रेटर देन जीरो, फोर का मल्टीपल जीरो में हो गया, ओके। अब 2k को इस तरफ ले जाइए, तो 16 ग्रेटर देन ट्वाइस के, ओके। 2 को इस तरफ ले जाइए तो 16 अपॉन 2 इज लेस देन के, यहां से ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 8 बचेगा, तो k इज लेस देन 8, ठीक है। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, k इज लेस देन 8। तो हमें k की दो वैल्यू मिल गई, क्या मिल गई कि k जो है वो जीरो से बड़ा होना चाहिए एक तो, और किससे छोटा होना चाहिए, 8 से। तो इसको ओवरऑल हम इस तरीके से लिख सकते हैं, k ग्रेटर देन जीरो और लेस देन 8, समझ गए, k इज ग्रेटर देन जीरो और लेस देन 8। जब ये वैल्यू रहेगी k की वैल्यू जीरो से बड़ी और 8 से छोटी, मतलब k की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इनमें से कुछ भी हो सकती है, और इनमें से कुछ भी हो सकती है, और इसके लिए जो सिस्टम होगा वो स्टेबल होगा, ओके। सो ये प्रॉब्लम आई थिंक आप समझ गए होंगे कि k की किस मान के लिए सिस्टम स्टेबल होगा। तो हमारे पास k की 7 वैल्यू आ गई है, k की 7 वैल्यू हमारे पास है जिसके लिए सिस्टम स्टेबल होगा, ओके। तो आइए इससे संबंधित और भी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। तो अगला एग्जाम्पल ये आपके सामने है, अगला एग्जाम्पल है 3s³ + 4s² + ks + 4 = 0। पूछा गया है k के किस मान के लिए सिस्टम स्टेबल होगा, सेम प्रॉब्लम है जैसे ये प्रॉब्लम था वैसे ये प्रॉब्लम है, और जो k है वो कहीं भी हो सकता है, इसमें आखिरी में था, इसमें s के मल्टीपल में है, ठीक है। तो सॉल्व करने का तरीका सेम वही है, सबसे पहले राउथ टेबल क्रिएट कीजिए, थोड़ा क्विकली करेंगे अब, राउथ टेबल करते हैं। सिमिलरली s की पावर q है हाईएस्ट पावर s स्क्वायर, फिर s1, फिर s0,
एस क्यू में मल्टीपल कितना है कोफिशियंट 3, एक पद छोड़ के यहां पर k है, इसके बाद कुछ भी नहीं है। एस टू में यहां पर 4 है और यहां पर भी 4 है। ओके सो सॉल्व कर लेते हैं, 4k माइनस 12 अपॉन 4, आगे कोई टर्म नहीं है तो यहां 0 लिख सकते हैं। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, 4 कॉमन ले लीजिए तो कितना बचेगा आपके पास के माइनस 3, नीचे से 4 कट जाएगा तो इसको फर्दर सॉल्व करके के माइनस 3 भी लिख सकते हैं। अगला टर्म है एस जीरो, तो एस जीरो को सॉल्व कीजिए, दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 4। ठीक है, तो ये आपकी राउथ टेबल क्रिएट हो गई है। ठीक है, तो राउथ टेबल क्रिएट हो गई है, तो फिर से हम वही लिखेंगे, सिस्टम के स्टेबल होने के लिए, सिस्टम के स्टेबल होने के लिए, होने के लिए पहले कॉलम में, पहले कॉलम में सभी पहले कॉलम में सॉरी पहले कॉलम की सभी वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो पहला कॉलम को देख लेते हैं, पहले कॉलम में 3 है ये पॉजिटिव है, 4 है ये पॉजिटिव है, ये आखिरी वाला 4 है ये भी पॉजिटिव है, बात किसकी आती है इस के माइनस 3 की। ठीक है, तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, ये पॉजिटिव होगा कब होगा जब के माइनस 3 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। तो k माइनस 3 को ग्रेटर देन 0 कीजिए, माइनस 3 को उस तरफ ले जाइए तो k इज ग्रेटर देन 3। ओके, k इज ग्रेटर देन 3 के लिए ये सिस्टम पॉजिटिव होगा, यहां किसी और जगह k है नहीं है। इस एग्जांपल में दीजिए यहां पर जो k था वो दो जगह था, k दिस वन और दिस वन, तो यहाँ k की दो वैल्यू आ गई थी, k ग्रेटर देन 0, k इज लेस देन 8, लेकिन यहाँ k सिर्फ एक ही जगह है इसलिए k की वैल्यू सिर्फ 3 आई है। तो क्या कहता है ये, k इज ग्रेटर देन 3 मींस k की वैल्यू 3 से बड़ी कुछ भी हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 100 हो, 200 हो, कुछ भी हो, उस स्थिति में ये सिस्टम जो होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा इसका, फॉर के इज ग्रेटर देन 3 सिस्टम स्टेबल होगा, के इज ग्रेटर देन 3 के लिए सिस्टम स्टेबल है। ठीक है, बस यही आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब इससे जुड़ी एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, थोड़ा डिफरेंट प्रॉब्लम होगी वो भी देख लेते हैं। तो अगला प्रॉब्लम ये आपके सामने लिखा हुआ है, मैं पढ़ देता हूं, एक यूनिट फीडबैक सिस्टम का फॉरवर्ड ट्रांसफर फंक्शन GS इक्वल्स टू K इंटू एस प्लस 20 डिवाइडेड बाय S इंटू एस प्लस 2 इंटू एस प्लस 3 है, K के किस मान के लिए सिस्टम स्टेबल होगा। तो अभी तक जो हमने पिछली दो प्रॉब्लम सॉल्व की थी उसमें हमको पॉलिनोमियल ऑलरेडी दिया हुआ था, हम सिंपली राउथ टेबल क्रिएट कर रहे थे और उसमें के की वैल्यू फाइंड आउट कर ले रहे थे सिस्टम स्टेबल होने के लिए। लेकिन इसमें हमको दे दिया गया है एक सिस्टम, सिस्टम अगर आप इसको ड्रॉ करेंगे लाइक कुछ इस तरीके का सिस्टम दिया हुआ है, ये यूनिट फीडबैक सिस्टम है ना, यूनिट फीडबैक सिस्टम ये दिया हुआ है, यहां पर आपका GS है, GS की वैल्यू आपको ये दी हुई है, यहां पर आपका CS है लाइक, और यूनिट फीडबैक सिस्टम ये नाम लिखा हुआ है, देखिए यूनिट फीडबैक सिस्टम, यूनिट फीडबैक सिस्टम का मतलब क्या है, यूनिट फीडबैक सिस्टम का मतलब ये है कि जो HS है वो इक्वल्स टू 1 है। ठीक है स्टूडेंट, और ये फ्लो जो सिग्नल का फ्लो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर बनाना है हमको, सिग्नल का फ्लो इस तरीके से है। सो इस तरीके की प्रॉब्लम
किस तरीके से सॉल्व करते थे हम, आपको याद होगा पिछले लेक्चर्स में कि इन प्रॉब्लम्स में हमको पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के बाद हम पॉलिनोमियल क्रिएट कर लेंगे और उसके बाद जैसे अभी तक सॉल्व करते आए हैं के की वैल्यू के लिए सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, क्वेश्चन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है, 1 + GS HS = 0। सो 1 + GS क्या है आपका, ये वैल्यू पुट कर दीजिए, K × S + 20 / S × S + 2 / S + 3 = 0। इसको फर्दर सॉल्व कर लीजिए, S × S² + 5S + 6 + K K S + 20 = 0। इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपकी जो ये इक्वेशन, S का मंत्र मल्टीप्लाई कर दीजिए, S³ + 5S² + 6S + KS + 20 = 0। S³ + 5S² + ये दोनों S के टर्म्स हैं, S कॉमन ले लीजिए इसमें से, K + 6 × S + 20। ये आपकी आ गई है क्या, पॉलिनोमियल। अब इस पॉलिनोमियल से हम लोग क्या डिजाइन करेंगे, राउथ टेबल। राउथ टेबल बना लेते हैं, आ जाइए राउथ टेबल पर। राउथ टेबल कैसे बनेगी, जैसे अभी तक आपको बताया गया है सिंपली उसी तरीके से, सबसे हाईएस्ट पावर से आप शुरू कीजिए और S² / S^1 / S0 वैल्यू पुट करते जाइए, 1 फिर दूसरी वैल्यू आएगी 6 + K, आगे कोई वैल्यू है नहीं, इसमें यहां पर एक मिस्टेक हो गई हमसे, K का अंदर मल्टीपल होगा तो KS + 20K आएगा, ये दिस वन 20K, ठीक है, तो ये 20K है = 0। सो यहां पर 5 एंड यहां पर 20K, ठीक है, इसको इसमें मल्टीपल कीजिए, क्या आता है 30 + 5K - इसको इसमें मल्टीप्लाई कीजिए 20K / 5 इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं आप, तो ये आ जाएगा 30 - 15K / 5। इसमें से 5 कॉमन ले लीजिए ऊपर से, तो ये आ जाएगा 6 - 3K। ओके, यहां तक ठीक है, ये पहले कॉलम है, यहां पर ये पहले कॉलम की चल रही है बात, और यहां पर आगे कुछ नहीं है, तो ये 20K के नीचे 0 आ जाएगा, ठीक है, और फिर इसको फर्दर सॉल्व कीजिएगा, This into this - 5 × 0 / 6 - 3K, तो यहां पर 20K आ जाता है। इस स्थिति में ये वाला एलिमेंट डायरेक्ट आ जाता है आखिरी में, ठीक है। सो हमारा राउथ टेबल कंप्लीट हो गया है। अब हम देखते हैं K की वैल्यू कहाँ कहाँ है, पहले कॉलम में ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, इस कॉलम में इस पोजिशन पे K की वैल्यू कितना है, दिस वन, और यहाँ ये है, ठीक है, तो ये दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव होने चाहिए, ये तो पॉजिटिव है ही, इसके पॉजिटिव होने के लिए 6 - 3K शुड बी ग्रेटर देन 0। ओके, तो 6 इसको इस तरफ ले जाइए × 3K और 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 2 = K,
मीन्स के इज लेस देन टू, एक वैल्यू हमको ये मिल गई और दूसरी क्या है 20k शुड बी ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, अब k की वैल्यू निकाल दीजिए, 20 जीरो के नीचे पहुंच जाएगा, वो भी जीरो हो जाएगा, तो दूसरी वैल्यू हमको क्या मिल गई, k इज ग्रेटर देन जीरो। तो इन दोनों को मिला के लिख दीजिए, k इज ग्रेटर देन जीरो, k जीरो से बड़ा है और k दो से छोटा है। ठीक है, तो ये हमारी k की वैल्यू हो गई, मीन्स k जीरो से बड़ा है तो वन हो सकती है, और k इज लेस देन टू मीन्स दो से छोटा मीन्स वन, सिर्फ k की वैल्यू वन हो सकती है। तो हम ये नहीं लिखेंगे कि k की वैल्यू वन हो सकती है, हम लिखेंगे इस रेंज के लिए, इस रेंज के लिए सिस्टम स्टेबल है, सिस्टम स्टेबल है। ठीक है स्टूडेंट, सो ये हमने डिफरेंट प्रकार की प्रॉब्लम सॉल्व कर ली राउथ हर्बर्ट से जुड़ी हुई। अब आज के लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर में राउथ हर्बर्ट्स क्राइटेरिया से जुड़े हम कुछ केसेस को स्टडी करेंगे। और अगर आपकी पहली कॉलम में कहीं पर जीरो आ जाए या आपकी कोई रो पूरी जीरो हो जाए तो उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।